वीटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य और रीवा की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। पहली खबर की बात कर लेते हैं। आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और 9 दिन दुर्गा माता के साथ घर की बेटी को देवी के रूप में मानकर पूजा जाता है, लेकिन रीवा जिले में नवरात्रि के पहले दिन ही 3 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। घटना जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत महोली गांव की है। बच्ची का परिवार बिना दरवाजे की झोपड़ी में रहता था। बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी, तभी आरोपी बच्ची को पड़ोसी ने ले गया और उसके बाद दुष्कर्म जैसी घुनैनी वारदात को अंजाम दिया और रेप करने के बाद वापस बच्ची को मां के पास सुलाकर चला गया। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि यह घटना तकरीबन रात 11 से 12 बजे के बीच की है। परिवार की सूचना पर रात में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर की विशेष टीम को बुलाकर जो बच्ची का इलाज कराया जा रहा है। जने थाने को रात्रि में 2:30 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि एक बच्ची है, उसकी माँ उसको लेकर आई थी, परिवार के लोग आए थे, तो उसके पड़ोसी ने उसके साथ में रात्रि 11 बजे के आसपास में जब उसकी माँ सो रही थी तो उसके साथ बदमाशी की। उसकी माँ जब सो रही थी तो थोड़ी देर बाद बच्ची कुछ आवाज़ आ रही थी, माँ ने देखा बच्ची नहीं है, इधर उधर देखने का प्रयास किया, बच्ची नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद आरोपी बच्ची को माँ के ऊपर ही लिटा के चला गया था। बच्ची माँ को कुछ एहसास हुआ तो उसने चेक किया तो देखा कि बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद उसने पहले शंकरगढ़ गए, वो लोग शंकरगढ़ अस्पताल वालों ने बताया कि आप पहले थाने में रिपोर्ट कराएं और उसके बाद कार्रवाई होगी इसमें। उसके बाद वो रात्रि में थाने आए, थाने वाला तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके और पीड़िता के लिए उपचार के लिए एसडीएम से यहाँ रीवा भिजवा दिया है। पीड़िता अभी ठीक है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी उसका पड़ोसी ही था पीड़िता का और उसको भैया भैया करके बुलाती थी। रीवा जिले में लगातार कॉलेजों में सीट वृद्धि की मांग बढ़ती जा रही है। जिले के कॉलेजों के छात्र सीट बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आज एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा जीडीसी व शहर के अन्य सभी कॉलेजों में एडमिशन की सीट बढ़ाए जाने को लेकर कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों द्वारा कहा गया कि न केवल जीडीसी बल्कि मॉडल साइंस टीआरएस सहित अन्य कॉलेजों में सीट वृद्धि की मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है। आज एक बार फिर ज्ञापन दिया गया है। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनकी मांगों पूरा नहीं किया जाता तो आगे चलकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ मिलकर भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। सीट बढ़ाने के लिए 25% सीट हम लोग चाहते हैं कि सभी छात्र पिछले एक तारीख से आ रहे हैं और उन्हें बोला जा रहा है कि सीट बढ़ेंगी, लेकिन अभी तक सीट बढ़ाने का कोई वो नहीं हुआ है। 25% सीट बढ़ाने की हम लोगों ने मांग की है। इनफैक्ट हमने जीडीसी नहीं, मॉडल साइंस कॉलेज, टीआरएस कॉलेज, जीडीसी कॉलेज, इनफैक्ट जहाँ जहाँ कॉलेज में सीट कम है, बच्चों का एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उन सब के लिए हम लोग इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम पे अगर सीट नहीं बढ़ाई गई तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सड़कों पे आके उतरेंगे सभी छात्र के उनको, क्योंकि 2000 से ज़्यादा छात्र जो है, सिर्फ एक कॉलेज की बात करें, 2000 से ज़्यादा छात्र जो है एडमिशन से वंचित हैं। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने के बावजूद आज भी कई ऐसे लोग हैं जो झोला छाप डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं और उनसे अपना इलाज करवाते हैं। एक मामला रीवा जिले से सामने आया है जहां पर डॉक्टर की लापरवाही ने महिला की जान ले ली है। पूरी घटना रीवा के अहिर गांव की है जहां पर महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी को गायनी प्रॉब्लम थी, जिसके लिए उसे स्थानीय झोला छाप डॉक्टर ने चिरहुला स्थित आशा क्लिनिक भेजा और आशा क्लिनिक संचालक डॉक्टर नीता वर्मा ने इलाज के दौरान युवती को बाहर कर दिया था और बाद में वापस बुलाकर यह बताया कि पत्नी की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मरीज की दस्तावेज कार्यवाही पूरी करने के बाद और जब यह जानकारी मिले कि महिला की मौत हो चुकी है, तब आरोपी चिकित्सक क्लिनिक व घर छोड़कर फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर मृतक के पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और जहां पुलिस क्लिनिक संचालक की तलाश कर रही है। इस मामले में चिकित्सा विभाग पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ऐसे अवैध क्लिनिक संचालित हैं जहां पर इलाज का ही कोई ठिकाना नहीं है। आज
सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला के द्वारा संभागायुक्त कार्यालय में समदड़िया बिल्डर्स के खिलाफ एक शिकायत की गई। शिकायत में बताया गया कि समदड़िया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक अजीत समदड़िया के द्वारा नरेंद्र नगर वार्ड क्रमांक 17 में नगर पालिक निगम रीवा द्वारा निर्मित RCC रास्ते में बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया, जिससे वार्ड के निवासियों का आवागमन बाधित हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने मांग की है कि निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। सामाजिक कार्यकर्ता की माने तो इस निर्माण से मोहल्ले के निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को हमने ज्ञापन पत्र दिया है, उसमें ज्ञापन पत्र के माध्यम से हमने आयुक्त महोदय जी से निवेदन किया है कि रीवा जिले के अंतर्गत नगर पालिका निगम रीवा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 में जो समदड़िया गोल्ड बना बिल्डिंग बन रही है, उसके बगल में नरेंद्र नगर में एक आम रास्ता थी जो पुरातन सनातन की आम रास्ता थी, जो लगभग 70 वर्ष पुरानी रास्ता है। यह नगर निगम का वार्ड क्रमांक 17 वैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है और साथ ही वहां पर जो रास्ता बनाया गया था वो नगर पालिका निगम के नगर पालिका ने बनाया था। तो नगर पालिका के रास्ते को समदड़िया बिल्डर अजीत समदड़िया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा या उनके कर्मचारियों के द्वारा उस रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा, रास्ता बाधित किया जा रहा, वहाँ के जो मोहल्लेवासी हैं उनके रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा था। इस संदर्भ में आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा से इस संदर्भ में ज्ञापन पत्र दिया गया था, परंतु आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो आयुक्त माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा से इस आशय का निवेदन किया गया है ज्ञापन पत्र के माध्यम से कि समदड़िया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक अजीत समदड़िया द्वारा जो नरेंद्र नगर वार्ड क्रमांक 17 में नगर पालिक निगम रीवा द्वारा निर्मित RCC रास्ते में बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है, तो उससे नगरवासियों का आवागमन पूर्णतः बाधित हो रहा है। इससे हम आयुक्त महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि तत्काल इस संदर्भ में उनका कार्य रोका जाना चाहिए और उनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जब उनको अजीत समदड़िया जी को यह एरिया दिया गया था नगर निगम के द्वारा उस बिल्डिंग बनाने के संदर्भ में, तो जो खुला एरिया था और सीमांकन करके राजस्व अधिकारियों की टीम ने उनको भूमि दी थी, परंतु वह उस भूमि से अन्यथा भूमियों में जो रास्ता है जो मार्ग है और नगरवासियों के रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय को पत्र दिया है और हमने अनुरोध किया है कि अजीत समदड़िया जी के विरुद्ध व उनकी टीम के विरुद्ध जो वहाँ काम चल रहा है, जो बिल्डर काम कर रहे हैं, अजीत समदड़िया की टीम जो काम कर रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए कि नगरवासियों को किसी प्रकार से रास्ता अवरुद्ध न किया जाए और जितने क्षेत्र में आपको खाली क्षेत्र में जो आपको एरिया दी गई थी उससे अधिक पैमाने पर आपका कब्जा है तो सीमांकन होना चाहिए और बेजा कब्जाकर्ताधारियों के विरुद्ध कार्रवाई नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत बेजा कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। रीवा के निराला नगर बस्ती में बीते कुछ असामाजिक तत्वों ने बीते दिनों द्वारा स्वान के 16 बच्चों को बोरी में भरकर सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया गया था, जिसके बाद आज बाद पास से गुजर रही एक युवती ने उन स्वान को बच्चों को अपने घर में रख लिया और अब सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पालकों का इंतजार कर रही है। युवती की मदद से स्वान के बच्चों को सहारा मिल गया है। 16 बच्चों में से 5 बच्चों को पालक भी मिल गए हैं। इसके अलावा 11 बच्चे अब भी पालक के इंतजार में बैठे हैं। शहर में बेजुबानों से क्रूरता का मामला सामने आया है। अज्ञात शख्स ने स्वान के 16 नवजात बच्चों को बोरे में भरकर सड़क के किनारे मरने के लिए फेंक दिया। भूखे प्यासे पिल्लों के विलाप से लोगों को इसका पता चला कि एक युवती इन्हें सुरक्षित अपने घर पर ले गई और देखभाल शुरू कर दिया। इसी दौरान युवती की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें उससे मार्मिक अपील की और उस मार्मिक अपील से द्रवित होकर 5 लोग सामने आए और स्वान के बच्चों को पालने के लिए घर ले गए। वहीं 11 को अभी भी दया का इंतजार है। आज सीधी पुलिस के द्वारा सीधी SP पंकज कुमावत के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौराहों से पैदल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि यह पैदल मार्च नशा मुक्ति अभियान के तहत निकाला गया था, जो कि सीधी यातायात थाने से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौराहों तक पहुंची। बता दें कि लगातार युवा वर्ग नशे की चपेट में आकर अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है, जिसके कारण नशे के आदि लोग और उसके परिवार को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं भी आ रही हैं। यही कारण है कि लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी कल्याणी पाल भी उपस्थित रही। वहीं सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले में शासकीय कॉलेजों में एडमिशन को लेकर सीट बढ़ाए जाने की मांग विद्यार्थी लंबे समय से कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना के कारण सभी को पास कर दिया गया, जिससे अब एडमिशन में समस्याएं आ रही हैं। पहले भी कई बार विभिन्न छात्र
संगठनों के द्वारा विद्यार्थियों के एडमिशन की मांग को लेकर आंदोलन किया जा चुका है और इस बाबत जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। इन्हीं सब मांगों को लेकर नाराज छात्र प्राचार्य कक्ष के बाहर ही बैठ गए, जिन्हें कॉलेज प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई और छात्र अपनी मांग पर अडिग थे। इसी दौरान कॉलेज प्रशासन द्वारा सीट बढ़ने की जानकारी छात्रों को दी गई और तब जाकर मामला शांत हुआ और छात्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। बच्चा जिंदाबाद, बच्चा जिंदाबाद। आज कौन सी मांगों को लेकर आप सभी यहाँ एकत्रित हुए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से लगभग 5 तारीख के आसपास में ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन भी किया गया। प्राचार्य महोदय के द्वारा यह आश्वासन किया गया कि हम आने वाले समय में सीट में वृद्धि करेंगे, क्योंकि कोविड के कारण छात्रों का अपने गृह क्षेत्र में आना एक स्वाभाविकता है और उसी स्वाभाविकता को देखकर सीट बढ़ाने का काम किया जाए, ऐसा विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आग्रह था। लेकिन परसों, नरसों और आज तक अभी सीट नहीं बढ़ी, उसने विद्यार्थी परिषद ने यह आग्रह किया कि तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक सीट वृद्धि का आग्रह, सीट वृद्धि का जो चस्पा है वो नोटिस बोर्ड पे चस्पा नहीं हो जाता। कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? कॉलेज प्रशासन हमें लगभग 5 दिनों से ये आश्वासन दे रहे हैं कि सीट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लिखित रूप से ऐसा प्रूफ, ऐसा आदेश, ऐसी नोटिस चस्पा नहीं हुई है, तो कॉलेज प्रशासन का आश्वासन कोई बात नहीं कर सकते। बहुत सारे विद्यार्थियों की शिकायत है कि संडे के दिन गुप्त रूप से एडमिशन करवा लिए गए। जी बिल्कुल। क्या आज का जो आंदोलन था उन दो विषयों को लेकर था, एक आज की सीट बढ़ाने का, दूसरा छात्रों के साथ हुए अनैतिकता। रविवार को सीट बढ़ाने का ऐसा प्रक्रम आया है, अभी तक इसकी कोई लिखित या कोई मतलब एग्जैक्ट प्रूफ हमारे पास नहीं है। ये जैसे ही आता है विद्यार्थी परिषद इसके लिए जांच करेगी और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य करेगी। छात्रों की सीट यदि जल्द नहीं बढ़ाई जाती तो आप अगला कदम क्या? छात्रों की सीट अगर नहीं बढ़ाई जाती तो हमने कदम उठा लिया है और हमारे ये कदम तब तक यही स्थिर रहेगा जब तक सीट नहीं बढ़ती, चाहे शाम क्यों ना हो जाए। तो ये थी आज की बुलेटिन की रीवा और बिंदु से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।